मैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे हूँ, स्त्री रोग तज्ञ, नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगी वो है बैकएक, यानि गर्भावस्था में कमर दर्द। ऑलमोस्ट 50 से 70% गर्भवती महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत होती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो सबसे कॉमन कारण है वो है आप माँ बन रही हैं, आप गर्भवती हैं, ये अपने आप में एक कमर दर्द का कारण है। ये एक साहजिक है, नेचुरल है, पर स्त्रियाँ, स्पेशली गर्भवती स्त्रियाँ डर जाती हैं कि मुझे कमर दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? कमर दर्द को कम करने के लिए आप बहुत कुछ अपने लेवल पे कर सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और प्रोलॉन्ग सिटिंग आपको अवॉइड करनी है। जैसे आप जॉब पे जा रही हैं, तो अगर जॉब पे आपको बहुत घंटों घंटे बैठना पड़ता है, तो आप हर एक घंटे के बाद 5 मिनट के लिए खड़े हों, अपने ही जहाँ आप काम कर रही हो कमर में चहलकदमी करें अपने कमरे में, और फिर से बैठें, एक घंटा काम करें, फिर उठ के चलने लगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर में भी जब आप काम कर रही हैं तो बहुत 2 घंटा खड़ी हैं, आप 3 घंटा खड़ी होकर किचन में काम कर रही हैं, वैसा ना करें। आप 1 घंटा खड़ी रहें और फिर थोड़ा चलने लगे, बैठ जाएं, थोड़ा लेट जाएं। लेटने के लिए गर्भावस्था में जो सबसे अच्छी पोजीशन हम लोग बताते हैं वो है लेफ़्ट लैटरल पोजीशन, और अगर लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में आप थक गई हैं तो राइट लैटरल पोजीशन। 5वें माह के बाद आपको पीठ पर नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप पीठ पर सोएंगी तो आपके गर्भ के वजन से आपकी जो पीछे की नस है वो दब जाती है और बच्चे को ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आता है। बहुत ज़्यादा दर्द है, आप कमर पे मसाज कर सकती हैं। जब भी हम मसाज कर रहे हैं और आप गर्भवती हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि मसाज का प्रेशर आपके यूट्रस यानि गर्भ पर नहीं आना चाहिए। जेंटल मसाज, यहाँ पर आप अपने पति की पक्का मदद ले सकते हैं। लेट हिम फील इन्वॉल्व्ड इन योर केयर। अगर मसाज है तो आप पति को कहिए कि उसको हल्का सा हमें मसाज पीठ पे करके दें। हॉट वाटर बैग ले सकती हैं, हॉट वाटर पैड्स ले सकती हैं, पर हर चीज़ सावधानी के साथ। कमर दर्द कई हद तक आप खुद को उससे बचा सकती हैं। इसमें आपको अपने पोश्चर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वजन की वजह से शिफ्ट हो गया है, पर आप कोशिश करें कि आप सीधा खड़े हों, यानी आप खुद झुककर खड़े होना या झुककर चलना जस्ट बिकॉज आप प्रेग्नेंट हैं वैसा ना करें। जब आपको फर्शी से कोई भी चीज़ उठानी है तो आप कमर के बल ना झुकें, आप अपने घुटने मोड़ें, घुटने मोड़ के उसको पीठ सीधी रखते हुए आप फर्शी से जो भी सामान उठाना है उसको झुकाएं। बेसिकली जो सिंपल प्रोसेस मैं आपको समझा रही हूँ उसमें आप जितना अपने रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखेंगे, उसको आप जितना सीधा रखने का कोशिश करेंगे, उतना आपको दर्द कम होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो चेंजेस हो रहे हैं, सारे रिलैक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, उसके वजह से आपके सारे जॉइंट्स रिलैक्स होना शुरू होते हैं, उसकी वजह से भी आपको बैकएक होता है। तो ये चेंजेस तो हम रोक नहीं सकते हैं, इनको रोकने के लिए हमारे साइंस में कोई दवाई नहीं है, पर ये आपके हाथ में है कि आप धीरे उठें, धीरे बैठें, धीरे चलें, सडन जर्की मूवमेंट्स ना करें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और अपने कमर दर्द को आप बचा के रखें। अब हमने जो भी आपको उपाय बताए हैं वो घर में करने के लिए बताए हैं, पर हर कमर दर्द को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल में कब जाना है। अगर आपका ये जो कमर दर्द है ये पीछे से लेके सामने पेट तक आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आपको खुद को महसूस हो रहा है कि नहीं इसको 1 घंटा हो गया है ये दर्द जा नहीं रहा है, हमारे आराम करने से नहीं जा रहा है, मसाज करने से नहीं जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, और गर्भवती महिला को खुद को महसूस होता है कि नहीं अभी हमें ये सहन शक्ति के बाहर है, हमें डॉक्टर के पास जाना है,
तो कमर दर्द को 80% केसेस में आप घर में ही उसको मैनेज कर सकती हैं, पर 20% केसेस हो सकते हैं कि आपको जहां डॉक्टर की सहायता की ज़रूरत है। एंड व्हेन इन डाउट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो टू अ हॉस्पिटल। अगर डाउट में हैं तो भी आप हॉस्पिटल में जाके आइए, डॉक्टर को बोलने दीजिए कि हाँ ये चिंता का विषय नहीं है, आप घर जाइए। पर अगर चिंता का विषय होगा तो डॉक्टर आपको भर्ती कर उसका आगे का इलाज करेंगे।